दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा बायरन वर्सेस डीरेक्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलने वाली है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ ना, तो आप खुद देखिए लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही कराए है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को आपको लाइक भी कर देना है क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने के लिए यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। चलिए बात करें हमारी टीम के बारे में। देखिए विकेट कीपर में ए मोहम्मद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। आप सिलेक्शन देख रहे हो तो तकरीबन 88% है, मतलब ऑलमोस्ट लोग इनको ही रखेंगे, बट मेरे भाई इनका बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो नंबर 5 पे रहने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नंबर 5 पे ये बंदा बैट करेगा। लास्ट मैच के बारे में अगर मैं बात करूँ, 12 रन इन्होंने करे दोस्तों, उससे पहले अगर मैं बात करूँ 9 रन करके आ रहे थे, फिर 20 रन करे, 9 रन करे, तो देखो फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है यार और फिर बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा नीचे हो जाता है, तो आप इनको अपनी टीम से ड्रॉप करके चल सकते हो। वहीं दोस्तों जहीर के बारे में बात करें, सेम बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहेगा, इनको ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो गेम चेंजर होने वाले हैं ना दोस्तों, क्रिस बॉक का ऑप्शन होने वाला है। ये बंदा आपको इस मैच में ओपन करते हुए नज़र आने वाला है और काफ़ी अच्छा प्लेयर है। लास्ट मैच में भी 34 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली थी दोस्तों। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो रन बनाने के भी ज़्यादा चांस है और सेलेक्शन भी काफ़ी कम है, तो हम इनको अपनी टीम में लेके चल रहे हैं। अब दोस्तों बैटिंग में बात करें ना, ए नाबी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अहमद भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, लास्ट मैच में तो देखो जल्दी आउट हो गया, 4 रन पे ओपन करेगा, बट अगर उससे पहले अगर मैं बात करूँ ना, 28 रन करे 10 बॉल्स में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 66 रन करे उससे पहले 25 बॉल्स में दोस्तों, फिर 9 रन इन्होंने करे थे 7 बॉल्स में, उससे पहले 93 रन इन्होंने करे 30 बॉल में, तो आप खुद देख सकते हो कि ताबड़तोड़ प्लेयर है, हमेशा रन करके आता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लेके चल सकते हैं। नियाज के बारे में बात करें, भाई साहब लास्ट मैच में शानदार 82 रन की इनिंग्स खेल के आ रहा है बंदा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, वो भी मात्र 29 बॉल्स में। उससे पहले जरूर एक मैच में जल्दी आउट हो गए थे, बट उससे पहले फिर 115 रन की एक शानदार इनिंग्स खेल के आ रहे थे। ताबड़तोड़ प्लेयर है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, चल गए तो बड़ी इनिंग्स खेल के दे देंगे, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब दोस्तों ए सिंह का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो ये नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, प्लस आपको 2 ओवर बॉलिंग से भी करवा के देते हैं। लास्ट मिनट में 13 रन पे आउट हो गए थे, वैसे हार्ड हिटर बैट्समैन है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखना, और बॉलिंग से कुछ खास नहीं करे, 0 विकेट निकाले, बट देखो जो बैटिंग और बॉलिंग कर रहा है ना वो आपको कैसे ना कैसे पॉइंट दे देगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास निसार का एक शानदार ऑप्शन होने वाला है, भाई एक और हार्ड हिटर बैट्समैन होने वाला है, ग्रैंड लीग में CVC कर सकते हो, सेलेक्शन कम है, नंबर 3 पे बैटिंग करेगा, लास्ट मैच में 81 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली, वो भी 30 बॉल्स में, और 11 सिक्स मारे मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान में रखो, तो आपके लिए गेम चेंजर इस मैच में होने वाला है, इस बंदे को रख सकते हो। उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ रीसेंट के 4-5 मैचेस के बारे में, किसी में 20 रन करे, 25 रन करे, 30 रन करे, तो वहाँ पे भी रन करके आ रहे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो रफे को जरूर ट्राई कर लेना, ये एक फिनिशर के रूप में खेलते हैं, बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 पे रहता है, यदि पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई करके चल सकते हो।
वहीं दोस्तों ओमेर के बारे में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो ओपन करेगा प्लस ये बंदा दो ओवर आपको बॉलिंग भी करवा के देने वाला है। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 24 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली इन्होंने दोस्तों। ग्रैंड लीग में इस बंदे को जरूर ट्राई कर लीजिएगा, हालांकि बॉलिंग से विकेट नहीं निकाल पाए बट ओपन करेगा प्लस बॉलिंग करेगा तो आप इनको जरूर रखो। ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में CVC करके चल सकते हो। GS के बारे में बात करें यार, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे हो जाता है, इनको ड्रॉप कर सकते हो। 5 आपके पास अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं बैटिंग में। अगर बात करें ऑलराउंडर में, भाई टी भाटी कैप्टनसी के लिए एक मस्त पिक होने वाले। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे प्लस आपको बॉलिंग करवा के देंगे, भाई और क्या चाहिए। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं इनके परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का रहा है, तो 10 विकेट इन्होंने निकाले बॉलिंग से। वहीं बैटिंग से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 50-60 रन के आसपास करे, बट बैटिंग ऑर्डर यार थोड़ा सा नीचे भी शिफ्ट हो जाता है कई बार, लेकिन बॉलिंग से जरूर निराश नहीं करेंगे, विकेट निकाल लेंगे। अर्सनल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, एक और आपके पास अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में रख सकते हो। ओपन में बॉलिंग करवाते, लास्ट मैच में तो 0 विकेट निकाले, उससे पहले 4 मैचेस के बारे में अगर हम बात करें 7 विकेट निकाल के आ रहे। बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, कैप्टन तो मैं नहीं बोलूँगा बट नॉर्मल आप जरूर रख के चल सकते हैं। यू खान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का आपको परफॉर्मेंस नजर आने वाला है, इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपको बताया। तो देखिए बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे नजर आ सकता है, बॉलिंग अच्छी है। 4 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, रिसेंट में 4 विकेट निकाल के आ रहे, आप इनको लेके चल सकते हैं। निको के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, रिस्की प्लेयर हो जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा और बॉलिंग भी नहीं कराए तो ड्रॉप कर सकते। मोहम्मद आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाले जिनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा नंबर 3 पर बैटिंग करेगा प्लस आपको बॉलिंग करवा के देगा, तो आप इनको ज़रूर अपनी टीम में रख लिए। लास्ट मैच के बारे में अगर मैं बात करूं, 1 रन पे आउट हो गए थे, बट हर मैच में ऐसा नहीं होता कि 1 रन पे आउट हो जाए। रीसेंट का स्कोर जो है काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों, तो इनको आप लेके चल सकते हो। 4 बेस्ट ऑलराउंडर आपके पास हो जाते हैं। बॉलिंग में यासीन एक मस्ट ऑप्शन है, अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को देख रहे हैं बॉलिंग में तो इनको आप लेके चल सकते हैं। लगातार विकेट निकालते हुए आ रहे हैं दोस्तों, रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने निकाले, बट एक साथ जो है 4-5 विकेट भी ले सकते हैं, इतनी काबिलियत है। अहमद के थोड़े से ओवर कट जाते हैं, बट पहले अगर बॉलिंग करे टीम तो जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। लास्ट मैच में कोई विकेट इन्होंने नहीं निकाला, बट उससे पहले 4 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने निकाले। दोस्तों अब्दुल का फॉर्म तो देखो, सेलेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फॉर्म इतनी जो है रीसेंट में सही नहीं रही है। लास्ट अगर 5 मैचेस में 1 ही विकेट निकाल पाए तो थोड़े से रिस्की मुझे लग रहे हैं। ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क आप लेके चल सकते हो। वहीं दोस्तों ऐसे वसील के बारे में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, ओवर इनके कट सकते, ठीक है कंफर्म नहीं है पूरे ओवर डाले या नहीं डाले, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ट्राई करना है तो अगर आपको रखना है तो तब रखिएगा, क्योंकि जब पहले बॉलिंग करे, क्योंकि उस टाइम अगर ओवर 1 भी डालेंगे ना तो वो मे बी डेथ में ही डालेंगे। कि MSI के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, एक ऑप्शन आपके पास अच्छे हो सकते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, रीसेंट के 4 मैचेस में तो खैर कोई विकेट नहीं मिला, बट ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। वहीं अगर यहाँ से बात करें वसील के बारे में, एम वसील इनका कंफर्म नहीं है, ओवर वगैरह कर सकते। एस हुसैन के बारे में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो देखो थोड़ा से ये भी रिस्की हो जाते, ओवर वगैरह कटने के चांस रहते। यहाँ से आपके पास यासीन एक अच्छे ऑप्शन हो जाते। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में अगर हम बात करें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते मुझे लगता है जिनको कर सकते, देखो एक तो नाबी का आपके पास एक मस्त ऑप्शन होने वाला है, ठीक है जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चल सकते। अब दोस्तों एस अर्सलन के बारे में अगर हम बात करें ना, तो देखो काफ़ी लोगों ने इनको ले तो रखा है, बट यार इनका बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। बॉलिंग के अकॉर्डिंग तो आप लेके चल सकते हो। यहाँ से टी भाटी को कर सकते हो, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है बट बॉलिंग में हमेशा विकेट निकाल के चले जाते हैं। इनके अलावा जो आपके पास एक अच्छे ऑप्शन होने वाले जिनको इस मैच में आप कर सकते, ओमेर भाई, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस बॉलिंग करते, ठीक है। फिलहाल मेरे कैप्टन तो अभी नबी को मैं कर रहा हूँ, ओमेर को मैं एज ए वाइस कैप्टन रख रहा हूँ। दोस्तों फिलहाल ये हमारी टीम का प्रिव्यू, आप इसके साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। देखिए स्मॉल लीग से ज़्यादा ये मैच ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप इस मैच में ग्रैंड लीग खेल सकते। ये टीम जो है अभी आप ग्रैंड लीग में लगा लीजिए, बाकी कोई प्लेयर नहीं खेलता। जो भी अपडेट होगा वो फाइनल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया इस वीडियो के नीचे।
कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके जोड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आपको ज़रूर कर देना है, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो जब आ ही गए हो तो। मेरे भाई इतना छोटा सा काम तो आप कर सकते हो।